हेलो बच्चों, लेट्स लर्न द स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आपने कभी देखा है गाय भैंस जो कैटल्स होते हैं ये जुगाली करते थे। जुगाली मीन्स इनका मुंह कंटिन्यूस चलता रहता है एंड लॉट्स ऑफ सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम देयर माउथ। तो ऐसा क्यों होता है? फाइन होल डे दे कीप ऑन चूइंग देयर फूड। So this special quality is known as ruminant, means these animals are called ruminant animals. क्या खास होता है इसमें? So they digest food in two steps. सबसे पहले क्या खाते और खाते क्या है ये? ये खाते हैं बेसिकली सेल्यूलोस। फाइन, सेल्यूलोस मीन्स जो पेड़ों के बाहर का हिस्सा होता है ना, वो ये खा लेते हैं। ठीक है, पेड़ पत्तियां पौधे सब खाते हैं ना, तो जनरली क्या खाते हैं? सेल्यूलोज। और पहले ये सारा फूड जो है अपने पेट में डाल लेते हैं। ठीक है, फिर अगेन द फूड को बैठ के थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, उसको वापस मुंह में लाते हैं और फिर उसे च्यू करते हैं। तो बताओ डाइजेशन कितने स्टेप में हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। टू स्टेप्स में, करेक्ट, वेरी गुड। सो दे डाइजेस्ट फूड इन टू स्टेप्स। कैसे? पहले दे स्वेलो एंड देन अगेन ब्रिंग इट बैक इन देयर माउथ फॉर डाइजेशन। इसलिए कंटिन्यूसली उनका मुंह चलता रहता है। ठीक, तो किन में होते हैं? हॉर्स, गोट, काउ, कैमल, शीप, बफलोज, ठीक, लामाज, वो भी तरह कैमल होते हैं, उनमें भी होता है ये। और जितने रूमिनेंट्स होते हैं ये सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दे कीप ऑन डाइजेस्टिंग द प्लांट दैट इज सेल्यूलोज। ठीक, अब ये आई हैव मेड द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। खास बात क्या होती है, इनके पास जो दांत होते, कभी आपने काऊ के दांत देखे होंगे तो सारे के सारे दांत जो है वो चौड़े चौड़े होते हैं, इस तरह के दांत होते हैं। फाइन, हैव यू सीन? वेरी गुड। अगर आपने काऊ के दांत देखे होंगे तो इस तरह के होते हैं, ब्रॉड टीथ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो है ये क्या करते हैं, दे कीप ऑन च्यूइंग द फूड। Now let's see what special is there in the chamber, in their stomach. So ruminant animals का stomach देखेंगे। Suppose आप ले लो cow का example, तो cow का stomach जो होता है उसके चार main chamber होते हैं। सबसे बड़ा chamber जो होता है उसे कहते हैं rumen। This question is very important. Name the largest chamber of ruminant animals. So that is called rumen only. तो सारा खाना पहले यहाँ store होता है, then it again goes to mouth. अब माउथ में फिर उसे च्यू करते हैं और च्यू करने के बाद वापस लाते हैं, तो ऐसे फूड को हम कहते हैं कड। ठीक, क्यों? क्योंकि पहले ये दो बार खाना मुंह में जाता है। सो द फूड विच इज सेमी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट एनिमल इज नोन एज कड। ठीक, तो एक बार सारा खाना यहाँ पे आया, फिर सारा खाना मुंह में गया, अब मुंह में च्यू कर रहे, च्यू होने के बाद इट कम्स टू रेटिकुलम एंड देन इट कम्स टू एबो ओमेसम। यहाँ से वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा और वाटर जितना है वो इसका स्टमक एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ द फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज द चैम्बर ऑफ और दिस इज द स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल। नाउ लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय द टर्म रूमिनेशन। What is rumination? The process in which the first food is swallowed. सारा खाना पेट में डाल लेते हैं, और कौन सा पेट का वो हिस्सा जहाँ स्टोर होता है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट कॉल्ड रूमन, और फिर उसको मुंह में वापस लाया जाता। तो ऐसा फूड जिसको वापस मुंह में लाते हैं फर्दर डाइजेशन के लिए, दैट इज नोन एज कड। ठीक, उसके बाद में उसको मुंह में लाने के बाद इट इज थोरोली च्यूड, दोबारा फिर से उसे च्यू करते हैं। This process is known as rumination. और जो semi digested food मुंह में वापस आया है, that is called cud. So these two things are very important. What is ruminant? Tell me again. Those animals who complete their digestion in two steps. First they swallow it and then they bring it back to their mouth for further digestion. Okay? अच्छा, there is one more thing very important. जो ये इम्पोर्टेंट, जैसे ये हर्बीवोर्स होते हैं ना, सो ये क्या खाते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं। ठीक, हम प्लांट्स नहीं खा पाते, वी कांट ईट प्लांट्स। क्यों? क्योंकि हम सेल्यूलोज खा नहीं पाते। ठीक, सेल्यूलोज इज अ फाइबर, अगर हम खा भी लेते हैं, मान लीजिए जो लीव्स खा ली या फ्रूट्स के छिलके भी खाए हमने, कुछ फ्रूट्स के छिलके भी खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फाइबर की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एनिमल्स जो है, जो ये रूमिनेंट एनिमल्स
cellulose है, they can easily eat cellulose. ये plants खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, जैसे जिराफ होता है पत्तियां ही खाता है, वो भी ruminant animal है, ठीक है. तो ये क्यों खा पाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सेल्यूलेस. ये इनकी बॉडी में सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर देता है. फाइन, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. So if you understood the topic well, how the ruminant animals digest, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And yes, I want your comments too. Thank you.